से दिल्ली में हमने सारे कुछ फैसिलिटी दी है पब्लिक को, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन और बाकी दूसरी चीज़ें भी और बहुत हैं। नमस्कार, मैं निखिल वर्मा और इस समय हम मौजूद हैं, इस समय राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के आवास के बिल्कुल सामने। इस समय हमारे साथ में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर पार्टी की, आम आदमी पार्टी की आगे नीति क्या होने वाली है, आगे किस तरह से पार्टी काम करने वाली है और यूपी चुनाव जिसमें 403 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर आपका क्या मत है खुद का? देखो जी, जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है, हमारे अरविंद जी जो करते हैं, उन्होंने पूरा पब्लिक के बीच में जाकर हर एक बूथ पर काम करो और उनकी समस्याओं को सॉल्व करो, और जब बूथ बूथ में हर एक पूरी पब्लिक से हम जुड़ेंगे तो ऑफ कोर्स पब्लिक जानेगी हमारे कैंडिडेट को, और जब उनकी काम निकलेंगे तो आगे फिर जीत ऐसे ही होती है, बूथ पे काम करने से ही होता है। मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो ये बताइए, अभी संजय सर ने, जैसे कि आप जानते हैं सभी, हफ्ते भर पहले करीब अखिलेश जी से भी मुलाकात हुई थी उनकी लखनऊ आवास पे, तो उसको लेके, गठबंधन को लेकर वहाँ पर बातचीत हुई थी, आगे भी नीतियों को लेकर बातचीत हुई थी, तो क्या लगता है गठबंधन कितना हो पाएगा या कैसे? अभी तो बातचीत चल रही है, अभी पूरी फाइनल नहीं हुई है। देखो, संभावनाएं तो सभी की रखनी पड़ती है, बाकी हमारे पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, वो तो वही डिसीजन लेंगे। एग्जैक्टली, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं इस बारे में क्या डिसीजन दे सकता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है। तो आम आदमी पार्टी आगे अगर अच्छी खासी सीट जीत जाती है या अच्छी खासी सीटों पर बात बनती है, तो क्या लगता है किस तरह से आगे की रणनीति होगी पार्टी की? फिर तो वही होगा, जैसे दिल्ली में हमने सारे कुछ फैसिलिटी दी है पब्लिक को, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन और बाकी दूसरी चीज़ें भी और बहुत हैं, और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, वहाँ तो हमारे पास पुलिस भी होगी, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा, जो भी वहाँ पे बदमाशी होती है, अपहरण होते हैं, सब कुछ होता है, वो सब मेंटेन रहेगा। तो मुद्दे क्या होने वाले हैं मेन चुनावों के? देखो जी, मेरे हिसाब से, मैंने बोला ना, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, यही मुद्दे होने चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर और देश को, जैसे दिल्ली को हम प्रगति कर रहे हैं उस हिसाब से यूपी की भी प्रगति होनी चाहिए। तो आगे अभी फ़िलहाल ये कंफर्म नहीं है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है आम आदमी पार्टी, अभी बात चल रही है गठबंधन को लेकर भी और आगे की नीतियों को लेकर भी, लगातार बातें जो है पार्टी अंदर चल रही हैं बड़े बड़े नेताओं के बीच में, जैसे ही सामने आती है वो पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी या साहिबाबाद सीट किसके अंदर में आती है, क्योंकि साहिबाबाद सीट जो है वो मेन बताई जा रही है इस समय, क्योंकि सबसे बड़ी विधानसभा सीट है यूपी में, और अगर ये सीट आम आदमी पार्टी के अंडर में आती है तो अच्छा खासा नुकसान बीजेपी पार्टी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली की बिल्कुल जड़ में विधानसभा सीट है साहिबाबाद, और अगर यहाँ पर पार्टी जीत जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।